हेलो दोस्तों, नमस्कार। गैड़ा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूं और आप आशा करता हूं आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। और नई गाइडलाइन आई है कि मास्क पहनना आवश्यक है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपये से 1000 रुपये तक का फाइन पड़ सकता है। तो देखिए आज नैनीताल के मौसम का हाल हमारे, और यहाँ देखिए कितना अच्छा मैच चल रहा है क्रिकेट का। हाँ तो IPL चल रहे हैं, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है ये पता नहीं है, लग रहा ऑल इंडिया ही है ये भी, क्योंकि बाहर से ही आए हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑल इंडिया टूर्नामेंट ही हुआ है। और आप लोगों के वहाँ कैसा हो रहा है बताइएगा। मैं आज आया था तो आज अलविदा जुम्मे की विद्यालय में छुट्टी थी, तो हमारा ऑफिस भी बंद था, तो मैं आ गया घूमने नीचे फील्ड को। मैंने कहा क्या करता हूँ यार वहाँ, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा एक ब्लॉग बना लिया जाए आप लोगों को दिखाने के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे तालाब के पास, आपको दिखाते हैं लेक सिटी नैनीताल की लेक। तो ये देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं अंदर। आज नावें कम ही चल रही है यहाँ पर, सब साइड में खड़े हैं, लगता है धूप लगने लग गई है। बरसात में भी नाव नहीं चलती है, कम ही चलती है। अभी तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो ठंडी ठंडी हवा के लिए तो घूमना ही चाहिए। और नाव में बैठो, तालाब के बीचों बीच जाओ, इतनी ठंडी हवा लगती है, बहुत फर्स्ट क्लास। ये बच्चे ऐसे, बच्चों के लिए बाइक हाइक भी रहती है यहाँ पे। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But this is the open children park. Us side se band hai. Bachche khel rahe hain bahut. Jhule ule sahi laga rakhe hain. Beech mein band tha, abhi khol diya hai in logon ne. तो आइए, जब भी आइए तो यहाँ पे बैठ के और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, यहाँ पे खेल लिए। ये है कैपिटल सिनेमा और वहाँ बॉक्स ऑफिस है जहाँ से टिकट प्राप्त होता है। और उसके बगल में यहाँ आप देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, ये वीडियो गेम भी खेल सकते हैं आप यहाँ पे। खेल रहे बड़े ध्यान से, धूप लग रही है तो रिक्शे भी बहुत खड़े हैं यहाँ पे, को सभी रिक्शे लगभग 50% रिक्शे खड़े हैं। धूप लग रही है ना, तो धूप में उतना चल नहीं पाते हैं। और इस साइड से दिख रही है जो नाव चल रही है, इस साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हम नाव में खड़ी गए, पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को घूमने आओ। मूवी मूवी अगर मूवी देखते हो आप तो मूवी देखो, और उसके बाद वीडियो गेम खेल सकते हो। और यहाँ से नाव, यहाँ भी कमी हो रही है भीड़, लेकिन जब जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा लगता है। रिक्शा स्टैंड देखिए, पहले अलग से था, अगर कोई पहले आया होगा तो उसने अलग देखा होगा, अब ऐसा बना दिया है, फर्स्ट क्लास बन गया है रिक्शा स्टैंड। और यहीं से रोपवे भी है, देखिए नज़दीकी है रोपवे, आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखिए लिफ्ट आ रही है ना, ये नीचे को चल रही है, बहुत नज़दीक है यहाँ पर, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से सीधे स्नो व्यू घूमने जा सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुकानें खुलनी भी शुरू हो चुकी है। और आप नाव स्टेशन यहाँ पे मतलब नैनीताल में काफ़ी जगहों पे है नाव स्टेशन, तो आप किसी भी स्टेशन से बैठ सकते हो, सबका टिकट एक समान है। और देखिए कितना अच्छा वो चश्मे देखिए कितनी अच्छी रौनक तब आती है जब पूरा भरा रहता है। वैसे काफ़ी दुकानें खुल गई हैं, आप देख ही रहोगे। और यहाँ पे चाय पानी नाश्ता जिसको भी करना है तो नज़दीकी हैं, कर सकते हैं, कहीं दूर जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और ये माल रोड आ गया है। तो लोगों की शिकायतें ये रहती थी कि आप ब्लॉग तो बनाते हो लेकिन बोलते नहीं हो, तो आज देखिए मैं बोल रहा हूँ। और अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसी जानकारी मैं आपको देते रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा।